सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को राम राम। नाइन्थ क्लास में आज हम पढ़ेंगे पिंड ज्योमेट्री। पिंड ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इसकी परिभाषा याद करनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम पिंड ज्योमेट्री के प्रश्न को अच्छे से बना सकते हैं। पिंड ज्योमेट्री में सबसे पहले तो यही है कि पिंड किसे कहते हैं। जिस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है उसे पिंड कहते हैं। इसमें हमारे पास घन क्षेत्र और शुंडाकार दो तरह के विशेष रूप से हमें प्रश्न बनाने को मिलेंगे। इसमें घन क्षेत्र त्रिज्यम, जिसमें हम कोई भी यदि आकृति हम बनाते हैं तो उसके तल जिस आकृति का होगा उसका सिरा भी उसी आकृति का होगा। जैसे समबाहु त्रिभुज है तो तल पे त्रिभुज होगी तो सिरे पे भी त्रिभुज ही होगी, और वर्ग है चाहे इसमें आयत है चाहे पंचभुज है षष्ठभुज है, कुछ भी हम आकृति बनाते हैं, जो भी हम घन क्षेत्र में आकृति बनाएंगे उसके तल में जो आकृति बनेगी ऊपर सिरे पे भी वही आकृति बनेगी। और जो शुंडाकार है जिसको इंग्लिश में पिरामिड कहते हैं, इसमें तल में कोई भी आकृति हो सकती है, पर जो इस तल के जितने भी भाग होंगे, अगर त्रिभुज है तो तीन कोण बनेंगे, चतुर्भुज है तो चार कोण बनेंगे, पंचभुज है पांच कोण बनेंगे, पर ये सारे कोण जो है वो ऊपर एक ही बिंदु पे मिलेंगे, सिर पे जो है वो एक बिंदु पे मिलेंगे, सेंटर पे मिलेंगे, वो हमारा है शुंडाकार। मैं हल्की से आपको बताई पहचान बताई है कि ये आपकी पहचान है कि कोई आकृति शुंडाकार है या घन क्षेत्र है। यदि तल में जो आकृति बनी है वही सिर पे बनी हुई है तो वो है घन क्षेत्र, और यदि तल में कोई भी आकृति बनी है और उसकी सारी भुजाएं एक बिंदु में मिलती है तो वो है शुंडाकार। तो इस तरह से आपने इसको लर्न करना है, कोई भी आकृति आपके लिए इस तरह की आ सकती है। उसके बाद एक चतुष्फलक है जिसमें कि चार संभव त्रिभुजें होती है, वो चतुष्फलक, वो भी प्रश्न इसमें है, आपके लिए तो नहीं है, नाइन्थ क्लास के लिए, टेंथ क्लास में आपके लिए जरूर आएगा। शंकु है, बेलन है, गोला है, तो ये सारी परिभाषाएं आपने याद करनी है। आज हमारा पहला जो प्रश्न है वो हम आज इसमें सॉल्व करेंगे, वो है पहला प्रश्न आपका है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि क्षितिज धरातल HP होता है हॉरिजॉन्टल प्लान HP पर खड़ा है, दोनों धरातलों पर लंब है। तो अभी आपके लिए सॉलिड नहीं है, सिर्फ वर्ग है, और वर्ग कभी सॉलिड नहीं होता है। सॉलिड मैंने आपको बताया था जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों हो, तो इसमें सिर्फ आपका एक वर्ग है, तो वर्ग की सिर्फ एक भुजा दी होती है, 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसकी ऊंचाई वगैरह तो कुछ नहीं होती, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, यदि आपने सॉलिड ज्योमेट्री बनानी है तो जो आपके पास सेट स्क्वायर दिए होते हैं, ये आपके सेट स्क्वायर है, ये आपने दोनों यूज करने हैं, आपका छोटा सेट स्क्वायर भी और बड़ा सेट स्क्वायर भी, ये दोनों सेट स्क्वायर जो है वो सॉलिड ज्योमेट्री में यूज होंगे। यदि आप इनका यूज नहीं करते हैं तो आपको सॉलिड ज्योमेट्री बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक वर्ग दिया 4 सेंटीमीटर का, हॉरिजॉन्टल प्लान में दिया हुआ है तो सीधा है, तो हमने सबसे पहले एक XY लाइन लेनी है। हम एक XY लाइन लेते हैं इस तरह से, इस लाइन का नाम हम दे रहे हैं X और Y, इस तरह से ये आप देख सकते हैं। अब हमें एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, हमें इसका सेंटर लेना है, जैसे ये हमारी है लगभग 14 सेंटीमीटर लंबी हमारी रेखा है, ये आपका 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर एक साइड और 2 सेंटीमीटर दूसरी साइड ले लेते हैं। यहाँ से दोस्तों आप कहीं भी 4 सेंटीमीटर एक्स वाई पे ले सकते हैं, हम सेंटर में लेंगे इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए 4 सेंटीमीटर हमने ले लिया है, यहाँ पे वर्ग है हमारा, और इस पर हम जो है क्या करेंगे, इस तरह से ये हमारा वर्ग आ गया। तो HB के समानांतर अगर हमने बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की नीचे को हम जो है वो जगह छोड़ देंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर यहाँ से और 1 सेंटीमीटर हम यहाँ से छोड़ देंगे इस पॉइंट से। भाई मैं इसके नाम नहीं दे रहा हूँ, इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं इसका नाम नहीं दे रहा हूँ, ये आपकी लाइन दी हुई है इस तरह से, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर की एक भुजा दी हुई है, इसका हम नाम दे रहे हैं A और B।
ये आपकी रेखा दे रखी है, यहाँ से हमने जो है वो डॉटेड लाइन लगानी है। डॉटेड लाइन भी हम सीधी 90 डिग्री पे लगाएंगे यहाँ से, इस तरह से। ये जो आपका कोण होता है 90 डिग्री का है, इस तरह से हम यहाँ से डॉटेड लाइन लगाएंगे। इस तरह से ये आपका जो है भुजा आ चुकी है वर्ग की। तो हमने एक ही भुजा लेनी है, मैंने पहले ही बताया था कि हमें एक भुजा ही बहुत है वर्ग लेने के लिए। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हमने 90 डिग्री पे, जैसे हम इससे ले लेते हैं यहाँ से 90 डिग्री पे, हमने यहाँ से रेखा लेनी है ऊपर को, और वो जो रेखा लंबी होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इस लाइन पे हमने ये जो आपकी रेखा है आपका सर्च करें, ये हमने रखना है इस तरह से। ये आपका 90 डिग्री का कोण है, यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर तक ये रेखा खींच देनी है इस तरह से। ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी हमने 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जो है वो लाइन खींच देनी है यहाँ से। ये आप देख सकते हैं, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, इस तरह से आप देख सकते हैं ये, और यहाँ पे भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा ऊपर। हम यहाँ पुट्टे से देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आपका वर्ग, अब ये जो आपका ए और बी है, ये यहाँ पे ए और बी आ रहा है, जो इसके प्रोजेक्शन आ रहे हैं ना, जब भी हम प्रोजेक्शन लेते हैं तो उसके ऊपर इस तरह का एक हम जो है डैश लगा देते हैं, और इसको बोलते हैं यति। इसका नाम क्या है, यति इसको हम बोलते हैं। यहाँ ए बी है, तो यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं सी और डी, इस तरह से यति के साथ हमने ये बनाना है। ये आपका एक्स वाई है, और इसी तरह से ये आपका जो है वो सॉलिड भी बन के तैयार हो गया है। ये आपका पहला ही प्रश्न है, ये बन गया आपका तैयार हो गया। दूसरा प्रश्न हमारा है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ जब वर्ग एच पी पर पड़ा है और बी पी के समानांतर है। बी पी का मतलब होता है वर्टिकल प्लान। पहले हमने जो पढ़ा था वो एच पी पे था, हॉरिजॉन्टल प्लान पे था, वही हॉरिजॉन्टल प्लान से बीपी पर है, मींस वर्टिकल प्लान पे है। तो जैसे हमने पहला बनाया था उससे ये उल्टा है, ये एक्स वाई से नीचे को बनेगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ हम एक्स वाई लाइन ले लेते हैं, इस तरह से ये हमारी लाइन आ गई एक्स और वाई लाइन हमारी आ गई है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें नीचे जो है वो एक वर्ग हम बनाएंगे। तो हमने यहाँ से इसका, जैसे मैंने पहले बताया था, हम इसका हाफ कर देंगे, और नहीं तो आप कहीं पे भी बना सकते हैं, वो हाफ करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से लगभग सेंटर में मैंने, ये देखिए आप देख सकते 4 सेंटीमीटर रेखा ले रखी है, यहाँ से मैंने जो है वो 1 सेंटीमीटर हम यहाँ से नीचे को लाइन लगा देंगे इस तरह से डॉटेड, यहाँ भी हम 1 सेंटीमीटर लाइन लगा देंगे नीचे को इस तरह से, और हम इसको मिला देते हैं यहाँ पे। यह आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इस पे रेखा पे एक वर्ग हमने बनाना है। तो वर्ग बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका सर्कल कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। इस तरह हमने इस लाइन पे जो है वो सर्कल लगा दिया है, और यहाँ से हम रेखा खींचेंगे 4 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका 4 सेंटीमीटर आ गया है। यहाँ पे भी हम जो है वो 4 सेंटीमीटर लाइन लगाएंगे, नहीं तो आप इधर को भी यहाँ पे हम सर्कल इसमें रख सकते हैं इस तरह से, और हम यहाँ से जो है वो 4 सेंटीमीटर तक रेखा लगाएंगे यहाँ से ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, जिसको मैं थोड़ा फेयर कर लेता हूँ। अब हम यहाँ भी देख लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी हम जो है वो रेखा लगा देंगे, इसके नाम हम दे देते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा है बी, ये हमारी रेखा है सी, ये हमारी रेखा है
डी। और हमने क्या करना है, इसी के प्रोजेक्शन हमने वर्टिकल में लेने हैं। तो यहाँ से हम जो है 1 सेंटीमीटर दूरी पे डॉटेड हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे भी हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पे डॉटेड लगा देंगे इस तरह से। और अब हम इसको मिला देते हैं, देखिए आप बिल्कुल 4 सेंटीमीटर है। तो ये आपका जो है वो बीपी मीन्स वर्टिकल प्लान हमारा आ चुका है। तो ये ए यति के साथ है और ये बी आपका यति के साथ है। इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है, ये हमारा बनके तैयार।